देश में एक और फर्जीवाड़ा, मतलब यहाँ भी नहीं छोड़ा। पेपर लीक केस की जांच में जुटी एसओजी एक के बाद एक भर्ती परीक्षा में हुई धांधलियों की तह में जाने का पुरजोर प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में एसओजी ने सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा केस के बाद ईओ भर्ती परीक्षा पेपर लीक केस की जड़ें खोदने शुरू कर दी है। भर्ती परीक्षा से पहले पेपर लीक का खुलासा आरपीएससी की एक गोपनीय शिकायत बनी खुलासे का आधार। आरपीएससी ने चयनित अभ्यर्थियों की पात्रता जांच करवाई तो हुआ शक, सामान्य ज्ञान के आसान प्रश्नों का भी जवाब नहीं दे पाए थे अभ्यर्थी। शक होने पर आरपीएससी के सचिव ने एसओजी को भेजी गोपनीय रिपोर्ट। एसओजी अधिकारियों के मुताबिक इसके लिए एसओजी की टीमों ने शनिवार को प्रदेश भर में 30 जगह छापेमारी कर 28 लोगों को हिरासत में ले लिया। उनसे पूछताछ के बाद एसओजी ने 17 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनमें 12 अभ्यर्थी और 5 उनके सहयोगी शामिल हैं। एसओजी ने रविवार को उन सभी को अवकाशकालीन कोर्ट में पेश कर 5 दिन के रिमांड पर लिया है। आरोपियों से पूछताछ में जुटे एसओजी ने बताया कि तुलसाराम कालेर और उसके साथियों ने मिलकर राजस्व अधिकारी ग्रेड सेकंड और अधिशासी अधिकारी वर्ग 4 प्रतियोगी परीक्षा 2022 में परीक्षा से पहले ही पेपर प्राप्त कर ब्लूटूथ के जरिए नकल करवाई थी। एसओजी को उम्मीद है अभी कार्रवाई लंबी चलेगी। कई और फर्जी और डमी अभ्यर्थियों के साथ दलालों पर शिकंजा कस सकता है एसओजी की इस कार्रवाई से। अब ईओ भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़ा कर शामिल हुए अभ्यर्थियों की सांसें फूलने लगी है। इसके पीछे वजह एसओजी की थानेदार भर्ती परीक्षा में की गई सख्त कार्रवाई है। आपको बताते चले, एसओजी सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा केस में अब तक 4 दर्जन से ज्यादा नकलची ट्रेनी थानेदारों को ट्रेनिंग सेंटर से उठाकर जेलों में ठूस चुकी है। उसके बाद इस परीक्षा को रद्द करने की मांग तेजी से उठ रही है।